गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रेम की तुलना आत्मा से परमात्मा के व्याकुल मिलन से की गई है। आज भी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में नियमित रूप से भक्त गीत गोविंद गाते हैं। वर्तमान शास्त्रीय ओडिसी नृत्य की परंपरा को उभारने वाले महान गुरु श्री केलुचरण महापात्र यहाँ उसी गीत गोविंद के अष्टपदी कुरु यदुनंदन को अपने ही द्वारा रचित नृत्य शैली में प्रदर्शित कर रहे हैं। कृष्ण से कहती हैं कि वो उनके केश में पुष्प सज्जा कर दें और उन्हें वस्त्र तथा आभूषण पहना दें। कृष्ण उनकी आज्ञा का अविलंब पालन करते हैं। भक्त और ईश्वर के सुखद मिलन के मर्म का वर्णन है इस अष्टपदी में। शिखंडी शिखंडी
नाम रे निज गाद सं यदुनंद रे हीरति हीरया नंद रे हीरति हीरया नंद रे शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में ओडिसी का वर्तमान रूप हाल ही में विकसित हुआ। संस्कृति के इस उच्च शिखर पर लाने वाले महान गुरुओं में श्री केलुचरण महापात्र सर्वोपरि हैं। आप नृत्य और नाट्य संगीत दोनों के महान ज्ञाता हैं। आपकी नृत्य रचनाओं में एक अद्भुत मूर्ति कला का सौंदर्य निखरता है। ओडिसी नृत्य को आपकी देन अद्वितीय है। ओडिसी बोली कहीं कह जा तार कारण है आमर ओडिसा देश पूरा बहुत समय बहुत वर्ष पर यार नाम थिला औड्र देश एवं से औड्र देश है उत्कल। हमारी उत्कल भूमि में अनंत काल से नृत्य की परंपरा रही है। कई सामाजिक कारणों से ये परंपरा दब सी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता पाने के बाद लोगों में एक नई जागरूकता ने जन्म लिया और जगन्नाथ मंदिर की देवदासियों तथा गोटीपुआ नर्तकों द्वारा जीवित रखी इस कला का फिर से विकास हुआ। इस नृत्य में भक्ति भाव प्रमुख है। सामनते कुश तनुरी विभार राधिका तब वीर है। माहरी नृत्य परंपरा की नर्तकी कोकिल प्रभा जो जगन्नाथ मंदिर में नृत्य किया करती थी, उन्होंने गुरु रामदास से शिक्षा पाई थी। पहले दक्षिणेश्वर में और फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कई वर्षों तक उन्होंने नृत्य सेवा की। भक्ति रसरे पंचरस अच्छी। माहरी परंपरा की दूसरी नर्तकी हरिप्रिया जी का कहना है कि मंदिरों में नाट्य सेवा की प्रथा समाप्त होने तक लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने श्री जगन्नाथ के मंदिर में नाट्य सेवा की। हेरा पंचमी जैसे विभिन्न उत्सवों पर मंदिरों में माहरी नृत्य की खूब धूम रहती थी। गुरु पंकज चरणदास एक पारंपरिक देवदासी के पुत्र हैं जो जगन्नाथ मंदिर में नृत्य किया करती थी। आपका कहना है कि वर्तमान ओडिसी नृत्य माहरी नर्तकियों द्वारा मंदिरों में किए गए क्रियात्मक नृत्यों पर आधारित है। माहरी प्रथा के साथ एक दूसरी प्रचलित परंपरा गोटीपुआ नर्तकों की रही है। गोटीपुआ नर्तकों की परंपरा आज भी पुरी के समीप रघुराजपुर गांव में जीवित है। कम उम्र के नर्तक स्त्री वेश धारण कर मंदिरों के बाहर नृत्य करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। Yeah.
मंदिरों के प्रांगण में नृत्य करने का अधिकार माहरी नर्तकियों को ही था, लेकिन जब माहरी परंपरा में विकार आने लगा तब भक्तों में से कुछ लोगों ने स्त्री वेश धारण कर नृत्य करना शुरू किया। इनकी शैली माहरी नृत्य शैली पर ही आधारित थी। इसी ने आगे चलकर गोटीपुआ नृत्य का परंपरागत रूप ले लिया। गोटीपुआ नर्तकों की परंपरा आज भी सुदृढ़ है। रघुराजपुर में गोटीपुआ नर्तकों की कई टोलियां हैं जो गांव गांव घूमकर पेशेवर प्रदर्शन करती रहती हैं। नृत्य और उससे संलग्न अन्य कलाओं की सेवा ही यहाँ के लोगों की जीविका है। ओडिसी नृत्य की परंपरा को जीवित रखने में गोटीपुआ नर्तकों की देन महत्वपूर्ण है। यहाँ गोटीपुआ नर्तक शुद्ध नाच का प्रदर्शन कर रहे हैं। त्रिपात्रों को चित्रित करने के लिए गोटीपुआ नर्तकों की चाल ढाल कुछ बढ़ चढ़ जाती है। यही बढ़ा चढ़ा कर दर्शाई गई चालें ओडिसी नृत्य का अद्भुत सौंदर्य है। बजार आसी एम को नाच शिखे रात 12 घर को जाए कौदिन बर्षा हेल्ले कौदिन झड़ बर्षा सही खूब दुख कष्ट एम को नाच शिखे मुझे घर को जाए तापर मोर मन हो ये अनुष्ठान आउ कि दिन बंची रहा मोर मन हुए आम रघुराजपुर गोटीप नाच परंपरा काल रही ये है नृत्य कर नृत्य नृत्य की परंपरा सदियों से मौखिक रूप में चली आ रही है। गुरु केलुचरण महापात्र ने इसको अंकित करने का सफल प्रयास किया है। नृत्य कला की शैली या रचना को संग्रहित करने के लिए अनगिनत रेखा चित्रों के माध्यम से एक भाषा का आविष्कार किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अमूल्य सिद्ध होगा। इस अभूतपूर्व कार्य से नृत्य कला को महत्वपूर्ण दिशा मिलेगी। संगीत की तरह नृत्य भी पढ़ा जा सकेगा। din ten ka din din ten ka din din ten ka din ta ka din te ha da te 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 हरिप्रिया जी का कहना है कि
वर्तमान ओडिसी नृत्य पर भरतनाट्यम, मणिपुरी जैसे अन्य शास्त्रीय नृत्यों का असर पड़ा है। इससे इसका सौंदर्य और भी बढ़ा है। उनका कहना है कि इसका नृत्य अंग भक्ति अंग से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मोर शैली हूँ नृत्यशिल्पी नृत्य करने पूर्व तार जब अंग शुद्ध प्रति ज्ञान न था सी के नृत्यशिल्पी हो पार। अंग शुद्ध कौन ना धरतु ये मुद्रार ना हूँ पताक कहगला रह बोल जदि कहले सी कला बड़ी एमती कला तेल ये मुद्रा आ ये मुद्रा भितर फरक होगा कि शास्त्र उपयोगी हम ना। प्रसिद्ध नर्तकी इंद्राणी रहमान के गुरु श्री देव प्रसाद दास बचपन में गोटीपुआ नर्तक हुआ करते थे। आपका कहना है कि नृत्य के लिए शरीर की शुद्ध भाव भंगिमाओं तथा अंग संचालन का ज्ञान आवश्यक है। मंदिर की मूर्ति कलाओं का ज्ञान एवं नृत्य से इसके अभिन्न संबंध को समझना भी आवश्यक है, अन्यथा नृत्य हास्यास्पद हो जाता है। अब जैसे पताका हस्त की भूमिका में ना कहने की भंगिमा में हाथ की उंगलियां यदि खुली रह जाएं तो सारा सौंदर्य धूमिल हो जाता है। এইভাবে ভাঙ্গি কি রহ এটা ভাঙ্গুন জমা দিয়ে হাতে ঠিক রাখে কোড়ে উঠে ঠিক করি प्राचीन कला में नृत्य कला गुरुओं द्वारा अपनी संतानों को विरासत में मिलती थी। सौभाग्यवश अभी भी ये प्रथा प्रचलित है। रविकांत महापात्र छोटी उम्र से ही अपने पिता श्री केलुचरण महापात्र से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नृत्य के साथ साथ संगीत में भी इनकी शिक्षा हुई है। মুখটা মানে বরাবর সবাই হাসি করে আচ্ছা প্রথমে नाट्यशास्त्र के तांडव लक्षण अध्याय में तांडव नृत्य का वर्णन है। यहाँ इस रचना में गुरु महापात्र ने नटराज की मूर्ति कला की भंगिमाओं को उद्धृत किया है। रावण शिव का महाभक्त था और ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्कृत की इस रचना को स्वयं रावण ने रचा था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब लम्बित भुजंग शुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमड्ड निनाद मड्ड मर्वयम्
चटार चंद चांदव तनो तुन शिव शिव तनो तुन शिव शिव तनो तुन शिव शिव जब भी ओडिसी का नाम लिया जाता है श्रीमती संजुक्ता पाणिग्रही और उनके गायक पति श्री रघुनाथ पाणिग्रही का नाम अवश्य लिया जाता है। संजुक्ता जी ओडिसी की सर्वोपरि नर्तकी हैं। मते जेते बेले मात्र 3 वर्ष बयस सेते बेले ठु जेबे भी कोनसी रेडियो रे किमा ग्रामफोन रेकॉर्ड रे मु गीत भलो गीत सुने स्वत प्रवृत्त होई निजे निजे नाचिबा को आरंभ करती है। लोके कहते जे एमती की रास्ता मझे भी जदि भल गीत शुणे ताहले नाचवाक आरंभ कर दो थी। तेणु मोर एत आग्रह देखी मोर बापमा मध्य मते जोठी जोठी नाच प्रोग्राम होता मते देखा नहीं जाऊले यहपर समय एठाकार प्रसिद्ध अन्नपूर्णा रंगमंच जोठी की गुरु केलुचरण महापात्र स्त्री लक्ष्मी लक्ष्मीप्रिया महापात्र जुगल भाव नृत्य करुले मते मो माँ बाबा देखा नहीं जाइले तापर तांको देखी आसी मु बराबर दर्पण रे दर्पण सामने ठिया होई तांको सब बेले मु इमिटेट करिया चेष्टा करथिली किंतु सेते बेले भल घर झियो मानक पई नृत्य सिखिबा गोटे बहुत खराब विषय थिला समस्ते हीन चक्षुर देखुथिले कारण ओडिया रे प्रभाद अछि। नृत्य में आपकी आस्था बचपन से ही थी। आपके कानों में संगीत पड़ा नहीं कि आपके पांव थिरकने लगते थे। 3.5 वर्ष की उम्र में आपने श्री केलुचरण महापात्र और उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया को अन्नपूर्णा थिएटर में नृत्य करते देखा था। उस दिन से ही उनकी नृत्य भंगिमाओं का अनुकरण करने लगी थी। ओडिसी में एक कहावत है कि जो निर्लज्ज होते हैं वही नाच करते हैं, लेकिन सामाजिक विरोध के बाद भी आपने 4 वर्ष की उम्र से ही गुरु केलुचरण महापात्र से शिक्षा लेना आरंभ किया और ये प्रक्रिया आज तक चल रही है। एक महान गुरु, विलक्षण पति और अद्भुत नर्तकी का ये अभूतपूर्व संगम है।
अपने सम्मिलित प्रदर्शन से आपने दर्शकों को बार बार मंत्रमुग्ध किया है। राग बिल्हारी पर आधारित ये पल्लवी नृत्य का सुंदर उदाहरण है। गुरु केलुचरण महापात्र की नृत्य रचना को साकार कर रही हैं संजुक्ता जी। Okay.